सब्सक्राइब करें राज शर्मा इंदौरी चैनल को, बेल आइकन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में। मैनेजिंग डायरेक्टर होने के साथ साथ वो इस कंपनी के सीईओ भी हैं। अब आप खुद जानते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो होते हैं उनका काम क्या होता है, पर ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं ये बिल्कुल ही अलग तरीके के सीईओ हैं। इनका कहना है, इनका मानना है कि अगर आप हमारे सेमिनार में आते हैं तो आपको एकदम परिवार जैसी फीलिंग आएगी, आपको अपनापन लगेगा और आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं मिस्टर गौतम बाली के बारे में, जो कि वेस्टीज के एमडी और सीईओ हैं। फ्यूचर प्लानिंग को लेके एक सेमिनार में आए थे वो लखनऊ में। लखनऊ को नवाबों के शहर भी बोला जाता है। ये जो सेमिनार है ये लखनऊ शहर में टीम वॉरियर्स के द्वारा अरेंज किया गया था। इस सेमिनार में मिस्टर गौतम बाली ने बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स दिए हैं जो कि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगी। चलिए वीडियो देखते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको। क्यों नहीं है, क्योंकि पढ़ाई जो है वो बहुत बुरी है। अगर उम्र भी नहीं, उसके बाद कहते हैं कि काश अगर हम पढ़ लिए होते तो शायद जिंदगी और बदल जाती, तो चिंता की कोई बात नहीं। आज अगर किताबी पढ़ाई नहीं तो आज हम आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकल पढ़ाई क्या है। वेस्टीज के बिजनेस में सफल होना चाहते हैं? मजा नहीं आया। क्या सफल होना चाहते हो? लेकिन इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफल कर सकता है, वो है आपको। इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। अगर सफलता चाहिए, अगर जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ एक चीज बदली है, अपने सोचने का तरीका। अगर सोचने का तरीका आप बदलोगे तो सब कुछ बदलेगा, आपको सही रास्ता नजर आएगा, आपको हर चीज सही सुनाई देगी और आपके पैर आपको सही मंजिल की ओर लेके जाएंगे। तो आज का ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मुश्किल नहीं है। इसके अंदर कुछ साधारण चीजें हैं जिनको आपने करना है, जिसके करके आप अपने वेस्टीज के बिजनेस के अंदर बहुत बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि अगर वेस्टीज के बिजनेस के अंदर आपके बदलाव आएगा तो आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। आपकी जिंदगी में जब बदलाव आएगा तो आपकी सेहत बेहतर होगी, आप बहुत ज्यादा आमदनी पाएंगे। जब आप दौलत पाएंगे तो आपका परिवार खुशहाल होगा, आपका परिवार खुशहाल होगा तो सारे लोग जो आपके साथ जुड़ रहे हैं उनकी जिंदगी बदलेगी। तो आज की इस ट्रेनिंग के अंदर, जैसे हम कहते हैं अगर बैटरी का सफलता पानी है तो आपको मुश्किल काम नहीं करते, आपको सिर्फ आसान काम करना है। ठीक है, तो आसान काम करना आसान होता है कि मुश्किल होता है? गुड। तो पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि बैटरी के बिजनेस के अंदर अगर सफलता चाहिए तो अपना दिमाग अपने घर में छोड़ के आइए। अगर आपको एक सोच है कि आप इस दुनिया के सबसे अकलमंद आदमी हैं, तो आप अपने घर में बैठिए, अपने लिए एक नई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोलिए और जिस प्रकार से हजारों लाखों कंपनियां डूब चुकी हैं वैसे आप भी डूबेंगे, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अकलमंद आदमी हैं। वेस्टीज के अंदर हम किसी को कोई सपना नहीं दिखाते। वेस्टीज के अंदर हम सिर्फ लोगों को दिखाते हैं वो रास्ता जो सफलता के ऊपर जाता है, जिसका 13 साल का इतिहास बता रहा है कि इसके अंदर आज के दिन पे 20 लाख लोग हर महीने वेस्टीज से आमदनी पा रहे हैं। कम से कम 2000 से ऐसे लोग हैं जो लाख रुपए से आमदनी ज्यादा पा रहे हैं। और ये आज के दिन पे वेस्टीज कोई व्यवसाय नहीं, वेस्टीज एक बन चुका है मूवमेंट। मूवमेंट
यानी कि लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए। अगर आपको महीने में 50 लाख रुपए पाने हैं तो यहां पे ऐसे लोग हैं जो 50 लाख रुपए आप पा रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं, आपको नया रास्ता नहीं बनाना, आपको करना सिर्फ ये है जो बाकी लोगों ने किया उसी चीज को अगर आप करेंगे तो आप सफल होंगे। आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको वेस्टीज का मतलब बताना चाहूंगा। आप में से कितने लोग हैं जिनको वेस्टीज का मतलब पता है? गुड, फैंटास्टिक। काफी लोग हैं जिनको इसका मतलब नहीं पता। अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी देखेंगे उसके अंदर इसका एक जो इंग्लिश में मतलब बताया जाता है, रेमिनेंट्स ऑफ अ ग्लोरियस पास्ट, यानी कि एक बहुत बेहतरीन या सुनहरे समय के पदचिन्ह। उसका एक और मतलब होता है, वो होता है फुटप्रिंट्स इन द सैंड, यानी कि रेत के अंदर पैरों के निशान। रेत के अंदर पैरों के निशान का मतलब क्या कि अगर आप रेगिस्तान में हैं, आपको हर दिशा एक जैसी लग रही है, किस तरह से आपने रेगिस्तान से बाहर निकलना है इसके बारे में आपको कोई पता नहीं चल रहा, पर अगर आपको वहां पे रेत के ऊपर पैरों के निशान नजर आते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति पहले वहां था और वो रेगिस्तान से चल के बाहर निकला है सफलतापूर्वक, तो आपको अपना नया रास्ता नहीं खोजना, आपको भटकना नहीं है। अगर आप उन पैरों के चिन्हों के ऊपर भी चलेंगे तो आप भी सफलतापूर्वक पहुंच जाएंगे। ये वेस्टीज का मतलब है। शुरुआत हमारी हुई थी 2004 में, आप सब जानते हैं। वेस्टीज की जब शुरुआत हुई थी वो शुरुआत काहे के लिए हुई है? मैं मिस्टर कन्वर बीर सिंह या मिस्टर दीपक सूद, हम तीन लोगों ने जब शुरू किया वेस्टीज को, वो इसलिए शुरू नहीं किया कि हमें अपने लिए एक बिजनेस बनाना था जिसके अंदर हम बहुत बड़ी दौलत पा सकें। उस समय मैं भी एक विदेशी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, मर्सिडीज बेंज मेरे पास थी, बहुत बेहतरीन सैलरी थी। कन्वरजीत सिंह की उनकी अपनी अच्छी नौकरी थी, उनके फादर बिल्डर हैं, दीपक के अपने बिजनेसेस थे, पर हम तीनों वो लोग हैं जो 1996 से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। जब ये बिजनेस हिंदुस्तान के अंदर शुरू हुआ, जब कोई ना तो कोई लीडर थे ना किसी को विश्वास था ये सिस्टम काम करता है कि नहीं, हमने उस समय से लोग के घर में जाकर वन टू वन प्लान समझाए, लोगों को इस सिस्टम की पावर के बारे में बताया, लोगों की टीम बिल्ड की, होम मीटिंग्स की, प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन की, मोटिवेशन मीटिंग्स की, और लोगों के जो सपने थे जिन सपनों के ऊपर उनको विश्वास नहीं था उन सपनों को हमने पूरा करके हकीकत बनाया। देख सकते 2003-04 तक नेटवर्क मार्केटिंग बन चुका था एक बार। कोई भी आदमी नेटवर्किंग कर रहा है इसके ऊपर लोग सोचते थे कि ये सिर्फ चोर है। कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खुलती थी तो लोग यही कहते थे कि ऐसी बहुत कंपनियां खुलती हैं, आज खुली है 6 महीने के अंदर, आप यहीं पर रहने दीजिए, मेरा दिक्कत है ना हमारे कितना लाख रुपए का चक पाना चाहते हो, कितनी बड़ी टीम बनाना चाहते हो, कितना बड़ा घर लेना चाहते हो, कितनी बड़ी गाड़ी लेना चाहते हो, अपने नीचे कितने लोगों को सफल करना चाहते हो, क्या अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजना चाहते हो, क्या आपके हर कमरे में वो टेलीविजन हो जिसकी कीमत 3.5 से लेकर 4.5 लाख रुपए है? इस जजमेंट वो सब आपके पास आ सकता है जब आप एक नई शुरुआत करते हैं और अपनी पुरानी आदतों को बदलते हैं। तीसरा स्टेप इसमें क्या है कि आपने पहचानना है और एक्नॉलेज करना है आपकी नेगेटिव हैबिट्स। नेगेटिव हैबिट्स बहुत हो सकती है। नेगेटिव हैबिट ये भी हो सकती है जो मेहनत नहीं करना, सिर्फ उतनी मेहनत करना है जिससे काम चल जाए, ठीक है? मार्केटिंग प्लान समझ लिया, डायरेक्टर बोनस पर समझ लिया, जब हमारे डाउनलाइन में आते हैं कि बताओ इसमें लीडरशिप बोनस क्या है, क्योंकि हमारी गलत आदत ये है कि हमने मेहनत नहीं की, लीडरशिप बोनस फंड वगैरह बाकी नहीं समझे, हम अपने डाउनलाइन को उस टाइम पे इमीडिएटली काटने की कोशिश करते हैं, पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं, कटोरा उल्टा करने की कोशिश करते हैं कि अरे भैया पहले ये तो समझो, जब इस टाइम पे आओगे तब आपको बीएमसी के अंदर दिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी ये आदत है कि अभी तक आपने वो मेहनत नहीं की इस चीज को समझ।
पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं लोगों को पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि जिस आदमी को आज के दिन पे डिटॉक्स पैच के बारे में नहीं।